गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रेनू सिंह फ्रॉम कैपिटल मॉडर्न स्कूल। तो आज हम सोशल साइंस चैप्टर फर्स्ट अराइवल ऑफ यूरोपियन इन इंडिया का पार्ट टू स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट वन में डिस्कस किया था किस तरह से पुर्ते मतलब पहले से उसको जो डिस्कवर किया गया, उसके बाद पुर्तगीज आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिशर्स आए, फिर जो है फ्रेंच भी आया, लेकिन फाइनली जो है ब्रिटिशर्स जो है इस्टेब्लिश हो पाए इंडिया में, उन्होंने अपना किस तरह से मतलब बिजनेस स्टार्ट किया, ट्रेड स्टार्ट किया इंडिया में। उसके बाद जैसा कि हमने देखा, उन लोगों ने अपना परमिशन ले लिया था इंडिया में ट्रेडिंग करने के लिए। फिर थोड़ा प्रीवियस हम देखते हैं, इन इनकम जनरेटेड फ्रॉम अ टैक्स कलेक्शन ऑफ इन बंगाल डिस्प्यूट्स के, तो वो लोग बंगाल में जो टैक्स कलेक्शन होता था, उनके ऑफिसर्स जो होते थे वो ठीक तरह से टैक्स नहीं देते थे, जिसकी वजह से मतलब उनका जो टैक्स से जो बेनिफिट होता था, जो इनकम आता था, वो धीरे धीरे मतलब घटते चला गया, डिक्रीज होते चला गया। फिर उसके बाद क्योंकि दिल्ली में जो था नवाब बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, वो जो था उसने डायरेक्टली मना कर दिया था कि जो भी आपको ट्रेडिंग करना है रूल्स के अकॉर्डिंग, सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको व्यापार करने होंगे इंडिया में, और जितने भी टैक्सेस रखे गए हैं वो सारे टैक्सेस आपको पे करने पड़ेंगे। अब देखो सर, यही पोजिशन बिकॉज जो है ब्रिटिशर्स जो है वो टैक्स नहीं चुकाना चाहते थे, उन्होंने औरंगजेब से डील कर ली थी कि हम पर मंथ जो है जो हर टैक्स पे जो होता है, हर व्यापार पे, हर जगह पे जो टैक्सेस होता है उसको नहीं देंगे, हम एनुअली पेमेंट करेंगे। लेकिन बाद में धीरे धीरे इन लोगों ने ये भी उसमें भी कमी करने लगे, तो फिर सिराजुद्दौला ने क्लियर कर दिया कि अगर आपको व्यापार करना है तो आपको जैसे बिजनेस के जितने भी रूल हैं, ट्रेडिंग के जितने भी रूल हैं, सब आपको मानने पड़ेंगे और साथ में आपको टैक्सेस भी पे करने पड़ेंगे। अब ये कहीं ना कहीं युद्ध का जो ब्रिटिशर्स के साथ भारत का पहली बार ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में अगर कोई बोलता है या कोई बैटल होता है, कोई युद्ध होता है, तो सबसे पहला स्टार्टिंग यही से होता है कि जो कि हमारा आता है बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी हम देखते हैं और उसमें डिस्कस करते हैं कि आखिर बैटल ऑफ प्लासी में हुआ क्या, ये क्यों हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ। सिराजुद्दौला बिकेम नवाब ऑफ बंगाल इन द ईयर 1756। सिराजुद्दौला 1756 में बंगाल का नवाब बना। ही हैड एंड ओवरलीविंग इन्फ्लुएंस ओवर द ब्रिटिश, द ब्रिटिश हेल्प द कंप्लीटर्स ऑफ सिराजुद्दौला बाय कंस्पिरिंग अगेंस्ट हिम टू दैट ही वुड नॉट रिमेन ऑन द थ्रोन ऑफ बंगाल। ही हैड एंड ओवरवेलिंग इन्फ्लुएंस ओवर द ब्रिटिशर्स, द ब्रिटिश हेल्प द कॉम्पिटिटर्स ऑफ सिराजुद्दौला बाई कॉन्स्परिंग अगेंस्ट हिम टू दैट वुड नॉट रिमेन ऑन द थ्रोन ऑफ बंगाल। बिकॉज जो था सिराजुद्दौला जो था वो ब्रिटिशर्स को पूरी तरह से चुनौती दे रहा था, चुनौतियों के समान था कि अगर आप टैक्स पे नहीं करोगे तो फिर आपको जो है बिजनेस नहीं करने दिया जाएगा। अब ब्रिटिशर्स जो थे वो दोनों में कॉम्पिटिशन हो गया, ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया कि अगर हम जो है इसको मतलब कहीं ना कहीं रोकेंगे नहीं, इसको स्टॉप नहीं करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ये रीज़न हुआ हमारा प्लासी का युद्ध होने के लिए, बैटल ऑफ प्लासी स्टार्ट होने का रीज़न था। वो सोच रहे थे ब्रिटिशर्स कैसे भी करके किसी भी तरह से सिराजुद्दौला को हमको यहाँ से हटाना पड़ेगा। दे फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट विद द ब्रिटिश मर्चेंट रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ टैक्सेस व्हेन द ब्रिटिश मर्चेंट फेल्ड टू पे टैक्सेस। अब उन लोगों ने क्या किया, कॉन्फ्लिक्ट विद द ब्रिटिश मर्चेंट रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ टैक्सेस। सोच रहे थे कि ब्रिटिश मर्चेंट जो है उनसे टैक्सेस के पेमेंट लिए जाए। वेन द ब्रिटिश मर्चेंट फेल टू पे टैक्सेस, जब ब्रिटिश मर्चेंट जो थे टैक्स पे करने में फेल हो गए, विच वेयर एप्लीकेबल टू बोथ इंडियन एंड फॉरनर मर्चेंट्स, द सिचुएशन केम टू अ बॉइल। अब देखो ब्रिटिश जो थे मर्चेंट जो थे वो टैक्सेस नहीं पे कर रहे थे, इंटरनल जो इंडिया में जो मर्चेंट थे उनको पे करना पड़ता था। अब ये मुद्दा कहीं ना कहीं उबलने लगा था, पूरा बॉयल होने लगा था समाज में, अगर वो नहीं देते हैं तो हम क्यों
फॉरेनर मर्चेंट जो थे और इंडियन मर्चेंट दोनों के बीच का मुद्दा ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि अब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने लगी थी. ही ऑर्डर दैट ब्रिटिश शुड नॉट फोर्टिफाई द फैक्ट्री. उसने पूरी तरह से ऑर्डर किया, सिराजुद्दौला ने आदेश दिया कि कोई भी ब्रिटिशर जो है, कोई भी ब्रिटिश अपना किला बंदी यहाँ इंडिया में नहीं कर सकता, अपने फैक्ट्री का फोर्टिफाई नहीं कर सकता, फैक्ट्री का किला बंदी नहीं कर सकता. पे द टैक्सेस एज पर द रूल एंड ट्रेड एज पर द टर्म्स ऑफ कंडीशन. जिस टर्म पे, जिस कंडीशन में, जिस परिस्थितियों में इनके साथ समझौता हुआ है व्यापार करने का, उसी कंडीशन में, उसी टर्म्स पर इनको व्यापार करना पड़ेगा और इनको जो है टैक्स जो है उसके अकॉर्डिंग पे करने पड़ेंगे. दिस प्रोवोकेशन वॉज एनफ फॉर सिराज टू ऑप्ट फॉरवर्ड. यही जो मतलब सिराजुद्दौला का जो घोषणा थी, जो उन्होंने घोषणा किया था, आदेश दिया था, ये काफ़ी था दोनों के बीच में युद्ध होने के लिए, सिराजुद्दौला का विरोध करने के लिए, एक वॉर होने के लिए बहुत काफ़ी था. एंड सक्सीड इन एक्सपेलिंग द ब्रिटिश फ्रॉम कलकत्ता. और इस तरह से अब कलकत्ता में ब्रिटिशर्स का जो था वो सफलता धीरे धीरे शुरू होने वाला था. द ब्रिटिश काउंटर अटैक अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव. ब्रिटिश काउंटर जो था रॉबर्ट क्लाइव के लीडरशिप में अटैक करते हैं. क्लाइव ब्राइड मीर जाफर द कमांडर ऑफ चीफ ऑफ सिराजुद्दौला विद अ प्रॉमिस टू कन्फर द थ्रोन ऑफ बंगाल टू हिम एंड कन्विंस हिम टू ज्वाइन देयर साइड. अब रॉबर्ट क्लाइव आया तो रॉबर्ट क्लाइव को ये बात पूरी तरह से समझ में आ गया था कि सिराजुद्दौला को इस तरह से डायरेक्टली जाके हरा पाना बहुत ही मुश्किल होगा. तो फिर उसने एक रणनीति, कूटनीति जो बोलते हैं कि कूटनीति उसने खेली कि उनका जो कमांडर ऑफिसर था, सिराजुद्दौला का कमांडर ऑफिसर मीर जाफर, सिराजुद्दौला का कमांडर ऑफिसर था मीर जाफर, उसको रॉबर्ट क्लाइव ने अपने पक्ष में कन्विंस कर लिया, उसको मना लिया और उसको बोला तुम युद्ध के मैदान में उतरोगे सिराजुद्दौला की तरफ से, लेकिन बिना युद्ध किए, बिना लड़ाई किए तुम जो है युद्ध हार जाओगे और अगर तुम युद्ध हार गए तो सेना तुम्हारे पीछे पीछे हो लेगी और हम जो है सिराजुद्दौला को अरेस्ट कर लेंगे और वो युद्ध हार जाएगा. और बोला उसके बाद मीर जाफर को इन लोगों ने लालच दिया और यहीं से जब ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर को गद्दी पर बिठा लिया, ब्रिटिशर्स के कहने पर मीर जाफर गद्दी पर बैठा, उनके कन्विंस करने पर उनके पक्ष में आ गया, सिराजुद्दौला के खिलाफ चला गया. बिकॉज ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर को गद्दी पर बैठाया था तो जाहिर सी बात है कि जैसा रूल्स ब्रिटिशर्स चाहेंगे वैसा ही रूल जो है मीर जाफर को करना पड़ेगा. तो ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग जो है अब बंगाल में मीर जाफर का जो रूल्स होता था, जो रूलिंग शासन जो चल रहा था, वो जो ब्रिटिशर्स कहते थे उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे कलकत्ता में अब शासन चलने लगा. इस तरह से भारत में ब्रिटिशर्स की सत्ता, जो उनका शासन, जो उनके रूल्स नहीं, सिस्टम जो थे, यहीं से बैटल ऑफ प्लासी से स्टार्ट होते हैं भारत में चलना. दिस वॉज द ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया. दस द वॉर इज कंसिडर टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. इसलिए इस वॉर को भारत में एक टर्निंग पॉइंट के रूप में जाना जाता है. डू यू नो हाउ प्लासी गॉट इट्स नेम. आपको पता है कि प्लासी को इसका नाम कैसे मिला. द ओरिजिनल नेम इज प्लासी द ट्रीज ऑफ प्लास. तो प्लासी का जो ओरिजिनल नेम है वो एक प्लास का पेड़ होता है, पौधा है, उसके नाम पे उसका नाम प्लासी पड़ता है. द फॉलोअर्स द फ्लावर्स ऑफ प्लास ट्री आर सैफ्रॉन इन कलर एंड द यूज्ड इज मेकिंग कलर्स ऑफ होली. तो
would you have been in its impact? क्या आपको लगता है सिराजुद्दौला बैटल ऑफ प्लासी जीत पाया था या आपके इसके बारे में क्या विचार है? अब प्लासी के युद्ध के बाद सेकेंड बैटल जो आता है इंडिया में वो बैटल ऑफ बक्सर आता है। एज प्रोमिस्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड मीर जाफर एज नवाब ऑफ बंगाल। जैसा कि कंपनी ने मीर जाफर से प्रॉमिस किया था कि अगर सिराजुद्दौला हार जाता है ये मीर जाफर जो है इनकी तरफ से युद्ध करता है तो जो है ये लोग ब्रिटिशर जो है मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देंगे, बंगाल की गद्दी दे देंगे। इस तरह से वो बंगाल का नवाब बन गया। रॉबर्ट क्लाइव ऑल्सो वेंट बैक टू इंग्लैंड। रॉबर्ट क्लाइव वापस इंग्लैंड चला जाता है। विद दैट पैसेज ऑफ टाइम मीर जाफर बिकेम हॉस्टल टुवर्ड्स द ब्रिटिश। और जैसे ही समय बीतता गया और इस तरह से मीर जाफर जो है उनके लिए काम करता गया, आगे चलता गया, द कंपनी डिसाइडेड टू रिप्लेस हिम। अब धीरे धीरे मीर जाफर जो था वो कंपनी की बात को मानना कम कर दिया था, तो फिर कंपनी ने डिसाइड किया कि अब उसकी जगह पे वो लोग उसके सन इन लॉ को हिम विथ हिज सन इन लॉ मीर कासिम। मीर कासिम वॉज एन इन्फ्लुएंशियल डिसिप्लिन एंड क्लेवर रूलर। अब इन्होंने उनको डिसाइड किया कि मीर जाफर की जगह उसके दामाद को, उसके जमाई सन इन लॉ मीर कासिम को गद्दी पर बिठाएंगे। लेकिन मीर कासिम जो था एक बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत चालाक शासक था, बहुत शासन डिसिप्लिन वाला, अनुशासन प्रिय शासक था। द प्रॉब्लम अरोज बिटवीन नवाब एंड द कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। फिर से वही प्रॉब्लम आकर के उभरी कंपनी और नवाब के बीच में, किस बात को लेकर के? समय से टैक्सेस नहीं पे करने की वजह से, जो कि सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच में था। फिर से वही प्रॉब्लम उभर कर सामने आता है। विच अल्टीमेटली ब्रॉट बोथ द फोर्सेज फेस टू फेस विद ईच अदर, जो कि अपने आप ही अल्टीमेटली जो थी दोनों फोर्सेज को फेस टू फेस फिर से युद्ध के मैदान में लाके एक दूसरे के सामने खड़ा कर देता है। इन 1763 मीर कासिम वॉज डिफीटेड बाय द कंपनी। 1763 में मीर कासिम जो था वो कंपनी के द्वारा हराया जाता है। बट ही स्कैप्ड, लेकिन वह वहाँ से भाग जाता है। ही रीऑर्गनाइज्ड हिज आर्मी अलॉन्ग विद द फोर्सेज ऑफ नवाब अवध, सुजाउद्दौला एंड मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड। फिर से वो अपना जो है आर्मी मतलब ऑर्गेनाइज करता है, तैयार करता है, और किसके साथ मिलके? फोर्सेस ऑफ नवाब अवध के नवाब के साथ और सुजाउद्दौला मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड के साथ। देयर कंबाइंड फोर्सेस मेट द कंपनी फोर्सेस एट बक्सर इन 1764। अब इन तीनों का जो कंबाइंड फोर्स था वो कंपनी फोर्स के आमने सामने थे। कब? बक्सर के मैदान में 1764 में। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉन द वॉर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से वॉर जीत गई। एंड ऑल ऑफ द सडन बंगाल अवध लखनऊ एंड मुगल एम्परर्स वॉज अंडर देयर कंट्रोल। बिकॉज तीन लोगों का साथ में आर्मी जुड़ करके अवध के नवाब और मुगल एम्परर सुजाउद्दौला और ये मीर कासिम तीनों एक साथ मिल के जो थे शाह आलम सेकेंड ये सब एक साथ मिलकर युद्ध कर रहे थे। और तीनों का जो ग्रुप था, तीनों का ग्रुप जो है ब्रिटिश के आगे हार गया, जिसकी वजह से अब इनका जो क्षेत्र था, इनका राज्य था, वो अल्टीमेटली जो है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गई। रॉबर्ट क्लाइव वॉज सेंट टू इंडिया टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। ऐसे सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव को फिर से इंडिया भेजा गया। दैट्स हाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी अ ट्रेडिंग कंपनी इमर्ज्ड एज अ पॉलिटिकल पावर इन सब कॉन्टिनेंट्स ऑफ इंडिया। इस तरह से हम देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी जो था एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में भारत में राजनीतिक पावर के साथ साथ भारत में इसकी पहचान उभरती है, ये उभर कर सामने आता है। ड्राफ्ट हेडलाइंस फॉर द न्यूज़पेपर पब्लिश फ्रॉम ब्रिटेन एंड पटना विथ रेफरेंस टू द रिपोर्ट प्रिंटेड ऑन द बैटल ऑफ प्लासी एंड द डेथ ऑफ सिराजुद्दौला। इस तरह से आपको ढूंढ करके करना है। एक्सरसाइजेस में हम देखते हैं हमारे चैप्टर का एक्सरसाइज जो है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन।